वेलकम बैक टू आवर चैनल टोपर टारगेट आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली सीटेड एंड यूबीडेड सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सो लेट स्टार्ट फर्स्ट वन इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही आप कहते हैं सिंथेसिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर सिंपल टर्म में बात करें तो एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर सिंथेसिस रिएक्शन ये क्या है एक तरह का केमिकल पजल है कि जहाँ पर पीसेज एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक कुछ क्रिएट करते हैं लेकिन वो क्या होगा कुछ जो क्रिएट हुआ है वो उससे डिफरेंट होगा अगर डेफिनेशन देखें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कम्बाइन कि दो या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे सिंगल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक्स प्लस वाई क्या है दो रिएक्टेंट है और ये क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं एक्स वाई तो ये कैसा प्रोडक्ट है सिंगल प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज सिंथेसिस रिएक्शन अगर अनादर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखा जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या फॉर्म करते, है? करते हैं वाटर फॉर्म करते हैं वहीं अगर अनादर एग्ज़ाम्पल की बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की तो जब आयरन आयरन और सल्फर जब आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं आयरन सल्फाइड एफ प्लस सल्फर तो इट विल फॉर्म आयरन सल्फाइड तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अनादर एग्जाम्पल देखें तो टू एन ए प्लस सी एल टू कि सोडियम प्लस क्लोरीन इट विल फॉर्म एन ए सी एल तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यही है कि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही क्या कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है एक टाइप है केमिकल रिएक्शन का जिसमें क्या होता है एक सिंगल कंपाउंड किसमें ब्रेक हो जाता है ब्रेक डाउन हो जाता है दो या उससे ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में या फिर कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट रिएक्शन है अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो आ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपलर कंपाउंड कि जो एक सिंगल कंपाउंड वो किस में ब्रेक हो जाता है दो या उससे ज़्यादा सिंपलर कंपाउंड में जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म से समझ लेते हैं एक्स वाई क्या है एक सिंगल कंपाउंड है और वो किस में ब्रेक डाउन हो गया एक्स प्लस वाई में यानी कि दो या उससे ज्यादा सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो गया जिसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे सपोज अनादर एक सिंपल इक्वेशन देखें ए बी ये भी क्या है एक सिंगल कंपाउंड और ये भी किस में ब्रेकडाउन हो गया ए प्लस बी में अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन की किसके अपोजिट है ये जस्ट uh, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट रिएक्शन है एग्जाम्पल की बात करें तो दैट इज सी ए सी ओ थ्री प्लस सी ए ओ प्लस सी ओ टू जो इसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सी ए सी ओ थ्री क्या है हमारा क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अब ये एग्जाम्पल तो सही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का लेकिन जो ये रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है तो ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में हो रही है ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है और जब ये रिएक्शन हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसे हम क्या कहते हैं दैट इज़ नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो कॉमन होती है दोनों में यानी कि बायोलॉजिकल में भी और केमिकल सिस्टम में भी तो जो थर्मल डीकम्पोजिशन है ये भी किसका एग्जाम्पल है ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है फोटो डिकम्पोजिशन इसमें भी क्या होता है कि कुछ कंपाउंड डीकम्पोज हो जाते हैं किसकी प्रेजेंस में लाइट की प्रेजेंस में जैसे एग्जाम्पल की बात करें सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड क्या होता है ए जी सी एल तो सिल्वर क्लोराइड किस में डीकम्पोज होगा सिल्वर ए जी प्लस सी एल टू अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे टू ए जी सी एल और टू ए जी तो अब हमारी रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बहुत सारी फील्ड में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है केमिस्ट्री में भी बायोलॉजी में भी और एनवायरमेंटल साइंस में भी और ये किस में हेल्प करता है कि हम कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर सकते हैं उसे समझने में भी क्या करता है हेल्प करता है और कैसे हम न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी फर्दर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज इस टॉपिक से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगर आप कुछ और वीडियोज भी हमसे चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा थैंक यू